हरे कृष्णा। आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है या इसको बंद करना है? ये आवाज़ कर रहा है बहुत, कोई बाधा पड़ रही है तो इसको बंद कर सकते हैं क्या? सुनाई पड़ रहा है या बाधा पड़ रही है सुनने में? तो बंद कर दीजिए। हाँ अभी ठीक है, आवाज़ ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ये बहुत पवित्र महीना चल रहा है पुरुषोत्तम अधिक मास का, और पिछली बार हम 25 तारीख को आए थे तो इस महात्म्य का 11वां अध्याय मैंने पढ़ के सुनाया था। तो पहली कथा महात्म्य की 12 अध्यायों की है, जिसको हमने सुना था पिछली बार। तो एक अध्याय पढ़ करके हमने सुनाया था और बाकी पहले की और बाद की जो कथा है वो संक्षेप में सुनाई थी। फिर दूसरी कथा शुरू होती है 13वें अध्याय से और ये 6-7 अध्यायों तक चलती है। तो अब हम जगह जगह सुनाते हैं, एक एक अध्याय सुनाते हैं, तो आज 17वां अध्याय सुनाएंगे। तो 13वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक की जो कथा है वो मैं संक्षेप में पहले सुनाता हूँ और इसके बाद 17वां अध्याय मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा। तो इसमें कथा इस प्रकार से है कि एक राजा थे चित्रधर्मा, है देश के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, गुणवान थे, प्रजावत्सल थे और उनकी प्रजा भी उनके आदेश के अनुसार सब कार्य करती थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं होता था और उनके पुत्र हुए दृढ़धनवा। ये जो पुत्र था ये जन्म से ही बहुत गुणवान, बहुत अच्छे लक्षण वाला था और जैसे बड़ा हुआ वैसे इसके गुणों का विकास हुआ। तो राजा चित्रधर्मा ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया तो गुरु को भी बहुत प्रसन्न करता था ये बालक, और वेद वेदांग के जितने भी वाक्य सुनता था तो ऐसे ही याद कर लेता था जैसे पहले से ही इसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अपने मित्रों को भी बहुत प्रसन्न किया, गुरु को बहुत प्रसन्न किया और जल्दी ही शिक्षा पूरी करके अपने पिता के घर में आ गया। तो राजा चित्रधर्मा ने देखा कि इनके पुत्र में तो बहुत गुण हैं और प्रजा भी बहुत अनुरक्त है। तो राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अच्छा अवसर है कि मैं कृष्ण का भजन करूँ और राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दूँ। तो सब प्रजा भी बहुत प्रसन्न हो गई और दृढ़धनवा को जो है राज्य का भार सौंप करके राजा चित्रधर्मा पुलह मुनि के आश्रम में गए और कृष्ण का भजन करते हुए उन्होंने गोलोक धाम की प्राप्ति कर ली। तो राजा दृढ़धर्मा को जब पता चला कि उनके पिता को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है तो हर्षित हुए, लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए तो शोक भी मनाया, अपने पिता का अंतिम संस्कार भी किया। और अब राजा दृढ़धर्मा का राज्य बहुत सुखी, उनके राज्य में सब प्रकार का सुख और सब प्रकार की सुरक्षा, शत्रुओं का भी जो है उन्होंने पूरा दमन किया हुआ था। तो एक दिन इनको एक चिंता हुई, राजा दृढ़धर्मा को कोई चिंता नहीं थी लेकिन एक चिंता फिर भी पैदा हो गई। रात में इनको चिंता पैदा हुई और वो चिंता ये थी कि मैंने इस जीवन में कोई तपस्या, कोई व्रत, कोई दान नहीं किया लेकिन मुझे इतना सुख, इतना राज और ऐसी पत्नी भी जो बिल्कुल समर्पित हो कैसे प्राप्त हुई? मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं मिल रहा है जबकि ये संसार दुखों का समुद्र है, तो मैंने क्या ऐसा कार्य किया है जिससे कि मुझे इतना सुख और इतनी संपत्ति प्राप्त हो रही है? तो इस चिंता में वो रात भर नहीं सोए। ब्राह्म मुहूर्त हुआ, घोड़े में बैठ करके गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो शिकार खेलते खेलते एक हिरण पर बाण चलाया तो हिरण भागा और खून बहाता हुआ एक वन से दूसरे वन में चला गया। और ये उसके पीछे खून की बूंदों को देखते हुए गए लेकिन हिरण झाड़े में छिप गया था, हिरण का पता नहीं चला। इनको बहुत प्यास लगी, एक झील देखी बहुत विस्तृत, स्वच्छ पानी भरा हुआ है, बहुत गहरी झील थी। तो उसमें पानी पिया और विश्राम करने के लिए निकट आए झील के तट पर। एक वट वृक्ष बड़ी घनी छाया, बड़ी शीतल छाया थी, तो बैठ करके विश्राम करने लगे। उस समय विश्राम करते समय अकेले देख करके एक तोता
उस वृक्ष में बैठा हुआ इनके निकट आया, इनके सामने आया और वो एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा। उस श्लोक का अर्थ ये था कि आपको इतनी संपत्ति, इतना सुख वैभव प्राप्त हुआ है, लेकिन यदि आप तत्व का चिंतन नहीं करते हैं तो भव सागर को कैसे पार करेंगे। ये श्लोक जो है वो बार बार एक ही श्लोक पढ़ रहा था तोता। तो ये बड़े विस्मित हुए और तोते के इन शब्दों का इनको अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। और तब तक सेना इनकी आ गई इनका पता लगाते हुए, तो सेना से घिरे हुए देख करके तोता चला गया, उसको जो बोलना था वो बोल चुका था और एकांत में उसको बताना था संदेश, चला गया। और ये सेना के साथ महल में आए। अब ये एक चिंता तो पहले से थी और दूसरी चिंता और हो गई कि तोते ने क्या कहा। तोते के जो बात है वो बड़ी गूढ़ है, जैसे नारियल का फल है, तो बड़ी मुश्किल से उसको जो है तोड़ करके उसका जो स्वाद है वो प्राप्त होता है। उसी प्रकार से तोते के द्वारा कहा हुआ जो श्लोक है इसका भी बड़ा मुश्किल अर्थ है, कैसे इस अर्थ को समझूं। तो अब बिल्कुल गुमसुम रहने लगे, किसी से बात नहीं करते, कोई बुलाए तो बोले नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। इनकी जो पत्नी थी गुरु सुंदरी पत्नी एकांत में आई और उसने कहा कि आप ऐसे गुमसुम क्यों रहते हैं, क्या कारण है, और आप खाते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इन पत्नी से भी कुछ नहीं बता रहे हैं तो उनकी पत्नी भी बड़ी दुखी हो गई। अब एक दिन वाल्मीकि मुनि इनके महल में आए, तो वाल्मीकि मुनि आप जानते बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने आदि काव्य लिखा है, रामायण का आदि काव्य की रचना की है। तो वाल्मीकि मुनि आए तो उनको इन्होंने बैठाया, आसन पर बैठाया, सत्कार किया और वाल्मीकि मुनि ने पूछा कि आपके मन में कोई चिंता है तो बताइए क्या चिंता है, आप बहुत उदास मालूम पड़ रहे हैं। तो पहली बार सुना बताया वाल्मीकि मुनि को, तो बताया कि मैं तो पहले से ही चिंता में था कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिससे मुझे इतना सुख संपत्ति प्राप्त हुई है, और फिर इसके ऊपर एक तोते ने कुछ ऐसी बात बोली है जिसका अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और मुझे दोहरी चिंता सता रही है। तो वाल्मीकि मुनि ने उस समय प्राणायाम किया और फिर समाधि में बैठ गए। तो 48 मिनट एक मुहूर्त तक जो है समाधि में रहे, तो वाल्मीकि मुनि को इनका भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ पता चल गया, समाधि के द्वारा सब कुछ पता चल गया और बोले कि अब राजा आप सुनो, अपने पूर्व जन्म का जो वृत्तांत है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आप पिछले जन्म में एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहते थे, कुटिया थी, निर्धन थे और सदाचारी थे, विष्णु के भक्त थे, आप संतुष्ट रहते थे और आपकी पत्नी गौतमी नाम की, आपकी पत्नी गौतम ऋषि की पुत्री थी, वो आपकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, वो आपकी सेवा में हमेशा रहती थी। तो एक बार आप उसके साथ बैठ करके विचार करने लगे तो आपने अपनी पत्नी से कहा कि गृहस्थाश्रम में मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, पुत्र के बिना गृहस्थाश्रम सूना है और मैं तो अब प्राण छोड़ना चाहता हूँ, अपना जीवन छोड़ना चाहता हूँ। तो पत्नी ने समझाया सुदेव ब्राह्मण को, समझाया कि हे नाथ आप अब ऐसा शोक मत करिए क्योंकि जो भाग्य में सुख दुख लिखा है उसको ही भोगना अच्छा है, जिनको पुत्र नहीं मिलना है अगर वो पुत्र के लिए प्रयास करते हैं तो उनको और दुख मिलता है। जैसे राजा अंग थे उनको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, फिर पुत्र प्राप्त हुआ तो और दुख प्राप्त हुआ, और चित्र क्या थे राजा चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु को भी पुत्र नहीं लिखा था लेकिन पुत्र जब उनको प्राप्त हुआ तो उसमें भी उनको बहुत कष्ट मिला। तो इससे अच्छा है कि जो भाग्य में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप सुख दुख भोगिए, और फिर भी अगर आपकी पुत्र पाने की इच्छा है तो भगवान विष्णु की आराधना करिए, वो सब अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। तो दोनों ने मिलकर के निश्चय किया कि भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। तो नदी के तट पर दोनों बैठे और 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खा के पानी पीते थे,
पाँच दिन में एक बार सूखे पत्ते खा के पानी पीते थे, और कितना समय तक तप किया, 4000 साल, 4000 साल तक तपस्या की। तो भगवान गरुड़ में बैठ करके इनको दर्शन देने के लिए आए और बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आपकी जो तपस्या है वो बड़ी कठिन तपस्या है, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और आपको क्या चाहिए, वरदान, आप वरदान मुझसे मांगिए। तो सुदेव ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और फिर कहा कि केवल एक ही इच्छा है मेरी कि आप एक सदाचारी पुत्र दीजिए। तो भगवान बोले कि देखो, मैंने तुम्हारे ललाट के सब अक्षर पढ़ लिए हैं और 7 जन्मों तक तो आपको कोई पुत्र नहीं लिखा हुआ है, तो ये पुत्र को छोड़ करके आप कोई भी ऐसी चीज़ मांग लो जो कि नहीं मिल सकती है तो मैं दे दूँगा, ये पुत्र को छोड़ करके मांगो। तो सुदेव ब्राह्मण इस बात को सुन करके मूर्छित होकर गिर गए भगवान के सामने, और पत्नी फिर समझाने लगी कि हे नाथ, आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है सुख दुख, तो उसके अनुसार मिलने वाला है, हैं, तो भगवान क्या कर सकते हैं इसमें, भगवान का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, आप अपने भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिल रहा है उसी को ही भोगिए। तो ये तो बड़ी निंदा की बात थी, भगवान के सामने ही उनकी पत्नी ऐसा बोल रही है, और बोल रही है क्यों, क्योंकि भगवान ने ऐसा कारण बनाया, भगवान स्वयं ही कुछ ऐसी बात बोले कि पत्नी ऐसा बोली। और गरुड़ जी को जो है बड़ा दुख हुआ, गरुड़ जी ने देखा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे असमर्थ हैं, किसी को पुत्र नहीं दे सकते। तो गरुड़ जी जो है कांपते हुए भगवान से गदगद वाणी में बोले कि आगे से तो कोई फिर आपका भजन नहीं करेगा, अगर आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, जब आप मुक्ति दे सकते हैं, किसी के कर्मों को मिटा सकते हैं, तो पुत्र देने में आपको क्या परिश्रम है। आप कोई व्यक्ति अगर हाथी का दान करता है तो अंकुश तो छोटी चीज़ है, उसको देने में उसे क्या परिश्रम होता है। तो भगवान की दृष्टि तो बहुत दूर की थी, भगवान तो लीला कर रहे थे। तो गरुड़ जी से बोले कि हे पक्षीराज, मेरी आज्ञा से आप ही इसको, इस ब्राह्मण को पुत्र दे दो। तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए, और गरुड़ जी ने फिर उनसे कहा सुदेव ब्राह्मण से कि देखो, आपके 7 जन्मों के लिए भी पुत्र नहीं लिखा था, लेकिन भगवान की आज्ञा से मैं आपको पुत्र दे रहा हूँ, और मैं अपने अंश से ही आपको पुत्र दे रहा हूँ, आपका जो पुत्र है आपको आपको सुख भी मिलेगा उससे और दुख भी मिलेगा। तो इस तरह से कह करके गरुड़ के साथ भगवान चले गए, और ये समझने की क्या दुख मिलेगा, तो सुख तो मिलेगा, पुत्र प्राप्त होगा तो सुख मिलेगा। तो अपने घर में आए, और समय आने पर पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, बहुत सुंदर, बहुत गुणवान, और जैसे जैसे बड़ा हो उसके गुण और विकसित हो रहे हैं। तो नामकरण संस्कार किया सुदेव ब्राह्मण ने, ब्राह्मणों को बहुत दान भी दिया, और नामकरण संस्कार में विचार किया कि इसमें जो है, इस बालक में जो योग्यता है वो सुखदेव गोस्वामी जैसी योग्यता है, इसका नाम सुखदेव ही रखा जाए। तो सुखदेव नाम रखा इस बालक का, और ये बालक जो है फिर गुरुकुल में पढ़ने लगा, तो उसके जो गुरु लोग हैं वो भी बड़े प्रसन्न होते थे, इस बालक की बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी, और इसके जो सहपाठी थे वो भी बड़े प्रसन्न होते थे, इसका व्यवहार ही इतना अच्छा था कि सब मित्र भी प्रसन्न होते थे। तो आगे चल करके देवल मुनि आए इनके कुटिया में, और देवल मुनि इनकी कुटिया में आए, तो देवल मुनि का स्वागत सत्कार किया, तो ये बालक भी उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। तो देवल मुनि ने देखा कि ये बालक तो बहुत श्रेष्ठ है, बड़ा गुणवान है, तो बड़े प्रसन्न हुए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, और बालक के शरीर की रेखाएँ देखते हैं तो और प्रसन्न होते हैं, इसमें तो ये गुण है, इसमें तो ये गुण है। लेकिन फिर कहते हैं सुदेव शर्मा से, कहते हैं कि आप के बालक में तो बहुत से गुण हैं, लेकिन इसकी हस्तरेखा में मैं देखता हूँ कि इसकी आयु कितनी है, अगर आयु थोड़ी हो तो सब गुणों का कोई लाभ नहीं। तो आयु देखी, तो बोले कि इसका तो जो है 12 वर्ष तक ही केवल आयु है, 12 वर्ष में ये जल में डूब के मर जाएगा, तो इतने गुण होने के बाद भी ये सब क्या है, इसके गुण नष्ट हैं, नष्ट हो गए। तो देवल मुनि ऐसा बताए, बता करके चले गए बद्रिकाश्रम,
नर नारायण के आश्रम में चले गए और सुदेव शर्मा ये सुनकर के मूर्छित हो गए, जमीन में गिर गए। तो पत्नी उनको समझाती है कि आप जो है शोक ना करिए, क्योंकि जो कुछ अपने भाग्य में लिखा है सुख तो वो होगा ही। श्री राम के जीवन में भी कितने दुख आए, सीता जी के जीवन में कितने दुख आए, भीष्म जी को भी जो है सरसैया हुई। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सी घटनाएं बताई कि अगर कुछ निश्चित है कुछ दुर्घटना तो वो होकर के रहेगी, तो आप इसमें आप शोक ना करिए। तो सुदेव ब्राह्मण है उस समय भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने शोक को त्याग दिया। तो यहाँ तक की कथा हमने सुनाई आपको 16वें अध्याय तक की। अब 17वां अध्याय मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। ये कथा सुना रहे हैं नारायण ऋषि, किसको सुना रहे हैं? नारद जी को। कहाँ पर सुना रहे हैं? बद्रिकाश्रम में, है ना। तो नारद जी पूछते हैं कि हे दया सिंधु, क्योंकि नारायण मुनि से इतनी सुंदर कथा है कि वो समाधिस्त हो जाते हैं बार बार, तो नारद जी को बार बार पूछना पड़ता है। तो नारद जी कह रहे हैं हे दया सिंधु, उसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दृढ़धनवा का वृत्तांत क्या हुआ, जिस वृत्तांत के सुनने से सब पाप कट जाते हैं। क्योंकि ये कथा नारायण मुनि जो सुना रहे हैं उसी के अंदर वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं राजा दृढ़धनवा को, और वो कौन सी कथा सुना रहे हैं? राजा दृढ़धनवा के पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो नारद जी पूछ रहे हैं तथा कि मैं भवत्तस्य प्रबुद्धस्य मयि पते तन्मे वदे कृपा सिंधो शृण्वताम पापे नाशनम। श्री नारायण बोले अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित रह गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जागी। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा स्वकीय चरितम श्रुत्वा प्राक्तनम चकितानम राजानम पुनरेवाह वाल्मीकि श्रवणोत्सुकम। तो महर्षि वाल्मीकि मुनि बोले अपने ब्राह्मणी के मुख से इस प्रकार शीतल मणि सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त को लगाया। इतिता शीतला वाचा समाकरण प्रिया मुखा सुदेवो धैर्य मालंबे हरो चित्तम अधारय। दीर्घ श्वास लेकर म्लान मुख हो जो होनहार है होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल समिधा आदि लाने के लिए वन में चले गए। कौन कौन चले गए वन में? सुदेव ब्राह्मण वन में चले गए। निःस्वस्य दीन वदनो यद भाव्यं तन् भविष्यति इति निश्चित्य मनसा पुष्पाद्यर्थं वनं यजो। इस तरह करते करते क्रमशः उनका बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा कुशा फल फूल आदि लेने के लिए वन में गए हुए थे। कौन गए थे? सुदेव शर्मा। एवं कृतवतस्तस्य कियान कालो गता क्रमान समित कुश फलाद्यर्थम कदाचिन काननम यज। वहाँ सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। तो घर में नहीं है सुदेव शर्मा और उनका पुत्र बावली में स्नान कर रहा है, घर के पास ही बावली बनी हुई है। सुदेव मन साध्यायन हरे पादे सरोरुहम तस्मिन् देव दिने गच्छन् वापीम सोनु सुहृदृतः। बावली में प्रवेश कर सम वयस्क साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुहारा छोड़ते बार बार खिलखिलाते जल क्रीड़ा करने लगा। तो ये बालक जो है अपने साथियों के ऊपर फुहारा छोड़ रहा था, पिचकारी से जल यंत्र से पानी की छींटे डाल रहा था और खिलखिला रहा था। प्रवेश वापी चिक्रोडे वयस्य ऐसा वारिणी जल यंत्र छिपनवारी बाल के सुस्मयन मोह। गर्मी की ऋतु थी, बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के साथ खेल करता रहा वो बालक। जले क्रीडा मुहु कुर्वन ग्रीष्म मोदम
उपायम एवं सर्वेशु बालेशु क्रीडत्सु प्रेम निर्भरम। अथाय जल में चला गया और अपने साथियों से छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। तो बालक इकट्ठे जो है सब उसके ऊपर छीटा मार रहे हैं, तो वो जो है भागा तो उसने गहरे पानी में उसने डुबकी लगाई। बालक ने सापलायनम मन मिच्छन सुरेंद्र गए भयाद्रुतम। तो फिर क्या हुआ कि अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में गोता लगाया। उनको धोखा देने विस्मित होंगे, चिंतित होंगे कि कहाँ चला गया, तो उसने जो है उनको इस प्रकार से विस्मित करने के लिए गहरे पानी में गोता लगाया। विधिना नोदितस्तत्र नियम्य श्वासमात्मनः मज्जा गाधतो येषो वञ्चयन्नात्मनः सखीन। गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वो बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। अब इतने गहरे पानी में चला गया था कि अब निकलने में तो बहुत देर लगेगी मैं, और उसकी श्वास जो है अब घुटने लगी। बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा परंतु निकल ना सका और अथाह जल में डूब कर सहसा मर गया। तंत्राद्वा व्याकुले भूय ततो निर्गंतु मुन्मना सहसा मृतिमापन्ना कुमारो गाध वारिणी। उसके संवयस्क साथियों ने देखा कि पानी से बाहर नहीं आ रहा है तो वे चकित रह गए और हाय हाय करते बड़ी तेजी से दौड़े। जलाद निर्गतम वीक्ष सर्वे चकित मानसा समान वैसा सर्वे हा हा कृत्वा प्रधाविता। शोकग्रस्त बालकों ने जाकर गौतमी से सब हाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी और वज्रपात के समान वाणी को सुना। किसने सुना? माता ने, गौतमी माता ने सुना वज्रपात के समान बालकों की वाणी सुनी। गौतम में कथया मासुर ब्रह्मचो के परायणाम वज्रपात है समावाचम बालानाम अनति प्रियाम। पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। श्रुत्वा भूमौ पपाताशु गौतमी पुत्र वत्सलाम एतस्मिन्ने समये वनान् विप्रा समाययो। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों पति पत्नी बावली पर गए। निशम्य पुत्र मरणम त्वष्टे वावा पतन भुवि तथोत्थाय तो विप्र दंपति वापि काम गतौ। वहाँ जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद पर लेटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुँह को बार बार चूमने लगे। मृतम पुत्रम समालिंग स्वांके कृत्वा कलेवरम सुदेव पुत्र वदनम चुचुम बिचा मुहुर मुहो। अनंतर अपनी गोद में लेटाए हुए मृत पुत्र का मुंह बार बार देखते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। तथा स्वांगे स्थितम पुत्रम मृतम वीक्षण मोर मोहम सरुदन विलपन्ने व गदगदाक्षर मोचिवान। सुदेव शर्मा बोलने लगे, बेटा मेरे शोक को मिटाने वाली शीतल सुंदर और शुभ वाणी बोलो तो सही। हे वत्स मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। वधपुत्र शुभाम वाणी मम शोक विनाशिनी शीतलाम ललिताम वत्स मनसो मोद मा वह। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाना ठीक नहीं है। बेटा वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी बुला रहे हैं।
विहाय पितरो अवृद्धो न त्वं गन्तुं यार्हसि वत्सामयति तन्सन्मित्रं वेदाध्ययन हेतवे। पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं, बेटा झटपट उठ जाओ, इस समय क्यों सो रहे हो, ये सोने का समय नहीं है। मुदाहमयति उपाध्याय त्वां अध्यापन हेतवे तूर्णम उत्तिष्ठ हे पुत्र कथम सुप्तोसी सांप्रतम। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा, घर से हमारा क्या प्रयोजन है, तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान हो गया है। त्वां विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनम शून्यारण्य में वाद्यैव त्वन्द्रते सदनम मम। यदि तुम्हें फल और कंदमूल प्यारे लगते हो तो मेरे आगे उठ जाओ, और यदि नहीं उठोगे तो अब मैं वन में भी नहीं जाऊंगा, वहां जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है। वनेपि नैव गच्छामि गमने किं प्रयोजनम फलमूले प्रियस्त्वं चेन नोत्तिष्ठति मम अग्रतः। हाय, मैंने कोई गर्हित कर्म नहीं किया, किसी ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की, फिर ना मालूम किस करने से मेरा पुत्र मर गया। नामयाचरितं गर्ह्यं ब्रह्महत्यापि नोकृतां केन कर्मे विपाकेन पुत्रो मे निधनं गतः। हाय विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया, अरे निर्दयी, मुझ दीन और बूढ़े की आंख निकाल कर तुम्हें क्या मिला। अहोधाता किमेतावन् फलम लब्धं त्वया महन् लोचनं मम दीनस्य वृद्धस्य कृश्य निर्दये। मुझ निर्धन का धन था ये बालक, हम दोनों पति पत्नी का सहारा था ये पुत्र, उसको छीनते तुम्हें किसी तरह की लज्जा नहीं आई। निर्धनस्य धनं बालं दंपत्योरवलंबनं हरतस्ते कथं लज्जा जायते नहि कुत्रचिन। सर्वत्र तुम दयालु रहे पर हमारे प्रति निर्दय क्यों हो गए, हाय मेरे दुर्भाग्यवश ये उल्टा पुल्टा हो गया है। सर्वत्र सदयस्तुम मैं निर्दय ताम गता कथमित्यन्यथा भावो मम भाग्य वसादहो। आज अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं, हे बेटा तुम्हारे सुंदर मुख और सुंदर नयनों को फिर कहाँ देख पाऊंगा। कुत्राहम शोधयाम यद्य पुत्रं प्रकृते सुंदरं द्रक्षितवाननं कुत्र पुत्रचारु सुलोचनम्। मेघ पानी बरसाता है, धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करता है। पर्जन्य स्रवते वारी सूते धान्यम सुंदरा गिरियो रत्न जातानी मुक्ता सारं पयो निधि। परंतु वो स्थान नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ से मेरा मरा हुआ बेटा मिलता हो, जिसके शरीर का लिंगन कर अपने जी की जलन मिटाऊं। न तम देशम प्रपश्यामि यत्र पुत्रम मृतम लभे यद गात्रम तो समालिंग हृदगतम तापम उत्सृजे। बेटा तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ, देखो तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर कुर्री पक्षी की तरह बिलख रही है। हे वत्स तुम सकृत वाचम श्रावयासु दयां कुरु विलपत्यति ते माता कुरीरी वे गत त्रपा। कौन कह रहा है? सुदेव ब्राह्मण शोक कर रहे हैं इस प्रकार से। हे बेटा, उसकी अवस्था देखकर क्यों तुम्हें दया नहीं आ रही है, अपने माता पिता से बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाते थे। ताम दृष्ट्वा तू कथम पुत्र दयानो उत्पद्यते तब अनुज्ञापे पितरो न कदापि भवान गतः। तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे तुम इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो, अब मैं किसके मुँह से वेदाध्ययन की सुंदर वाणी सुन सकूँगा। ताम दृष्ट्वा तू कथम पुत्र आवाम अपृष्ट्वा किम दीर्घ मार्गम यातोसि पुत्र कै वेदाध्ययन तन्वाणी कर्षस्रोष्यामि साम्प्रतम्।
हे पुत्र, आज तुम्हारी शुद्धि करके तुम्हारे मनोहर वाक्य को सोच सोच करके मेरा हृदय सौ सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है। सचमुच मेरा हृदय लोहे का बना हुआ मालूम पड़ता है। त्वाम स्मरतो वत्स कला वाक्यम मनोहरम सतदा धीर्य तेनोदय ध्याय हृदय मम। मैं राजा दशरथ को धन्य मानता हूँ क्योंकि उन्होंने श्री राम को वन में चले जाने पर पुत्र के संताप से अपने प्राण छोड़ दिए। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। मन्ने सुधन्यम किले कौशलेन्द्र मन्ने सुधन्यम किले कौशलेन्द्र यह काननम दासरथ प्रयाते धारणो सुन सुताप सुताप दग्धो धिंगमाम सुतस्य प्रलेप नष्टम। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मिणी प्राणपति, दीनों पर दया करने वाले भगवान, हे दयालु, पुत्र रूपी अग्नि के संताप में जलते हुए मेरी रक्षा करिए। गोविंद विष्णु यदुनाथ नाथ है श्री रुक्मिणी प्राणपते मुरारे दीनानुकंपिन भगवान दयालो माम प्राहि पुत्रान पुत्रानल ताप तप्तम। हे वैकुंठ, हे विष्णु, हे नरकासुर के शत्रु, चराचर प्राणियों के आधार, भवसागर के पोत, भवसागर से पार उतारने के लिए जहाज रूप ब्रह्म आदि देवताओं के द्वारा जिनके चरणों पर वंदना होती है, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला से जलते हुए मेरी रक्षा कीजिए। देवाधिदेवा खिल लोकनाथ गोपाल गोपीश रथांग पाणे अलिंद कन्या विष दोष हारिन माम प्राय पुत्रानल ताप तप्तम। मेरे समान कोई दूसरा नीच ना होगा जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन करके पुत्र के प्रति आशा लगाई। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो भाग्य द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके। सठो मदन्यो भविता न कोपी यो देव की सोनु वचो विलंग है पुत्रे दुराशाम कृतवान भाग्यो लभेत को दृष्ट विनष्ट वस्तु। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशोध्याय। तो सत्रवा अध्याय मैंने पढ़ के सुनाया जिसमें सुदेव का जो है विलाप वर्णन हुआ है। अब इसके आगे की जो कथा है वो मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूँ, उसके बाद आपके साथ में कुछ विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं सुदेव अपनी पत्नी के साथ और उसी समय मेघों की बड़ी घनी घटा घिर आती है और पानी बरसने लगता है। पानी इतना बरसता है कि पूरी पृथ्वी में पानी पानी हो जाता है। लेकिन ये दोनों पुत्र के शोक में इतने तपे हुए हैं कि इनको कुछ पता नहीं चलता है। एक महीने तक पानी बरसता रहा और ये अपने पुत्र के शोक में जो है शोक करते रहे, ना खाया ना पिया और ना सोए, केवल विलाप ही विलाप करते रहे और एक महीना बीत गया। लेकिन सौभाग्य से ये जो महीना था ये पुरुषोत्तम अधिक मास का महीना था। हरि बोल। और इस पुरुषोत्तम अधिक मास के महीने की आराधना हो गई अनजाने में, ना खाया ना पिया और जो वर्षा की जो बूंदें थी उससे स्नान हुआ। अभ्र स्नान सबसे अच्छा स्नान ये होता है। तो जैसे महीना पूरा हुआ तो भगवान तुरंत आ गए इनके सामने और बोले कि अब तुम्हारा भाग इतना खुल गया है, इतना खुल गया है, अब तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, अब तो एक लेस मात्र भी दुख नहीं रहा आपके जीवन में। अब आपका जो पुत्र जिसको 12 वर्ष की आयु मिली थी अब मैं उसको 12,000 वर्ष की आयु देता हूँ। अरे वो और
फिर कहा कि अब इस अपने पुत्र के साथ में आप सुख प्राप्त करिए, गृहस्थाश्रम का सुख प्राप्त करिए, और इस जीवन के बाद आप ब्रह्मलोक जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देवताओं के 10,000 साल तक सुख प्राप्त करिए, उसके बाद फिर आप पृथ्वी में राजा दृढ़धनवा के रूप में जब आएंगे तो 10,000 वर्षों तक आपको निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा, और उसके बाद फिर आपको जब चिंता होगी हाँ कि आपने कौन सा ऐसा पवित्र कर्म किया है, और एक तोते के द्वारा कोई श्लोक सुनेंगे जिससे आप और चिंतित होंगे, वाल्मीकि मुनि आपके महल में आएंगे और आपको पिछले जन्म की घटनाएं सुनाएंगे। और वाल्मीकि मुनि ही सुना रहे हैं, वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि हाँ, भगवान ने तुमसे ऐसा कहा था कि वाल्मीकि मुनि आएंगे और तुमको पिछले जन्म की बात बताएंगे, है ना। और तब जो है वाल्मीकि मुनि से इन्होंने और कई प्रश्न किए कि ये पुरुषोत्तम महीने का जो महात्म्य है वो पिछले जीवन में तो मैंने जाना था और मैंने पालन किया, इसका क्या नियम होता है, क्या इसका महात्म्य है। तो वाल्मीकि मुनि ने फिर विस्तार से इसके नियम बताए, और इस प्रकार से ये जो है राजा दृढ़धनवा और इनकी पत्नी जो गुड़सुंदरी हैं, तो ये जो है फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। और पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है ये पता चलता है इस घटना से कि किसी व्यक्ति का जो नियम है अनजाने में भी अगर हो जाए पुरुषोत्तम मास में, तो इसका जो है कितना बड़ा फल है, है ना। तो ये जो है बड़ी अद्भुत कथा है पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, आपका प्रश्न है जी। इनका प्रश्न है कि भगवान मिलने के बाद इच्छा ख़त्म कर देते हैं। भगवान मिलने के बाद इच्छा को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर भक्त के अंदर कोई इच्छा होती है तो भगवान उसकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, और भगवान को वो इच्छाएं पूरा करने में भी आनंद आता है। और वो इच्छाएं भी ऐसी इच्छा नहीं है जो कि बंधनकारी हों, कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं जो बंधनकारी हों, और कुछ इच्छाएँ होती हैं जिन जिनसे बंधन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि एक गुणवान पुत्र चाहिए, मतलब आपका भक्त उसमें आसक्ति हो, तो अगर शुद्ध भक्ति के प्रति आपकी आसक्ति हो गई तो ये भी जो है आपको मुक्त करेगी, है ना। प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु। आसक्ति जो है एक ऐसा बंधन है जो कभी छीण नहीं होता है, कि समय के अनुसार कभी छीण हो जाए, कमज़ोर हो जाए और आप इससे छूट जाएँ। लेकिन सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपापकम्। वही आसक्ति अगर साधु के प्रति हो जाए तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, है ना। तो अगर उन्होंने पुत्र मांगा जो कि कृष्ण का भक्त है, और उसमें अगर आसक्ति उन्होंने अपनी बनाई तो वो भी जो है आसक्ति दिव्य है, ठीक है ना। तो अगर भक्त अपना कोई भक्त जो है अपना है तो उसको पति के रूप में कोई आसक्त हो जाए, या कोई पुत्र के रूप में आसक्त हो जाए, कोई गुरु के रूप में आसक्त हो, शुद्ध भक्त में अगर आसक्ति हो गई तो जो चाहे गुरु हो, चाहे अपना पति हो, चाहे पुत्र हो, तो ये जो है आपको खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। हाँ जी, आपका प्रश्न ये हैंड माइक नहीं क्या? नहीं है अनजाने में हमने बताया कि पुरुषोत्तम मास का व्रत अनजाने में किया। हाँ, ऐसे में हाँ एकादशी में अनजाने में अगर हो तो उसका फल मिलता है, लेकिन एकादशी का अनजाने में व्रत हो लेकिन कैसे होना चाहिए कि उसी दिन अगर भोजन नहीं मिला किसी कारण से, ठीक है ना। अब अस्पताल में बहुत से मरीज पड़े हैं तो उनको कई दिनों से अन्न नहीं मिल रहा है तो उनको एकादशी का फल नहीं मिलता, क्योंकि एकादशी के पहले दिन आपने अन्न खाया हो और एकादशी के दिन अन्न ना मिला, अनजाने में भी कुछ कारण से अन्न नहीं मिला, अगले दिन पारण भी हो जाए अनजाने में, आप समझे, अगर पारण नहीं किया तो फिर वो एकादशी का फल समाप्त हो जाता है, तो समय पर पारण भी हो तो अगर अनजाने में हो जाए तो फल मिलता है, ठीक है। हाँ जी, जो प्रसंग है, जो सबसे उत्तम भक्ति का भगवान
सबसे उत्तम भक्ति है निष्काम भक्ति। निष्काम भगवान को दोनों भक्ति प्रिय है, लेकिन भक्ति होना चाहिए तीव्र। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी। हाँ, तो कोई अकाम है और कोई सर्व काम है, लेकिन तीव्रेण भक्ति योग विजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसी कोई भक्ति हो, हाँ, अब जैसे ब्रज की कन्याएँ हैं, वो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, है ना, तो दिव्य कामना है उनके अंदर भी, कामना है तो वह दिव्य कामना है। तो कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। तो अगर वो पुत्र पाना चाहते हैं और पुत्र हो ऐसा हो जो शुद्ध भक्त हो, भक्ति विनोद ठाकुर की भी कामना थी कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि चैतन्य महाप्रभु संदेश की सुरक्षा करे और उसको जो है और आगे बढ़ाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो बड़े परिश्रम से जो है चैतन्य महाप्रभु संदेश की रक्षा कर रहे थे, है ना, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। उन्होंने कामना की कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो, है ना। तो ये सब जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। तो इसमें आपको कामनाएं करने का अधिकार है, छूट है, हा? ऐसा नहीं है कि आप कोई कामना ना करो और आप तो इतना मतलब ऐसे बांध करके रखा जाए कि नहीं यही कामना करो जो मैं कहता हूँ। भगवान ऐसे नहीं चाहते। तो भगवान भी भक्तों को छूट देते हैं, भगवान भी भक्तों को अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, हा? और उनकी कामनाओं को पूरी करने में भगवान को भी प्रसन्नता होती है। ठीक है, अभी हमारे पास समय है तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि 4000 साल तक जो तपस्या की सुदेव ब्राह्मण ने, तो उसमें तो कई बार पुरुषोत्तम अधिक मास आया, तो उसमें आप क्या कहेंगे? तो उसका भी तो व्रत हुआ, तो उसमें आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे, क्या उत्तर है, कौन बताएगा? 4000 साल तक तपस्या की है तो कितने बार पुरुषोत्तम मास आए, इसका क्या उत्तर है? हाँ, अमृत के सब हाँ, जैसे एकादशी निकल जाती है तो कोई फल नहीं मिलता, उसी प्रकार से सब लगातार वही नियम चल रहा था तो उसका कुछ फल नहीं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं तो लगातार कर रहे हैं तपस्या, तो उस महीने का फिर आराधना नहीं हुई, क्योंकि महीने की विशेष आराधना के लिए क्या होना चाहिए कि उस दिन से कोई नियम शुरू हो। और या आपको अगर नियम नया कोई नियम नहीं बनाना है, आपके पहले से ये नियम चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पुरुषोत्तम अधिक मास है, इस में चेतना में आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं, चाहे वो वही नियम है, तो उसी चेतना में आप उत्साह पूर्वक कुछ विशेष उत्साह से आप नियमों का पालन कर रहे हैं, चाहे वही नियम है, तो हमारे पास वही नियम है, हम उन्हीं नियमों का पालन करते हैं, ये उस चेतना में करते हैं। और अगर अनजाने में हो तो फिर कुछ नियम ऐसा होना चाहिए कि अनजाने में कोई नियम हो जाए, बन जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है इसका लाभ है। तो राजा दृढ़धनवा पिछले जन्म में कौन थे, कौन बताएगा कौन थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे, क्या थे पिछले जन्म में? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। क्या नाम था उनका? सुदेव शर्मा। सुदेव शर्मा ब्राह्मण थे, और जब उन्होंने भगवान से पुत्र का वरदान मांगा तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, कौन बताएगा? आप बताएंगे, आप बताओ। भगवान ने कहा कि तुम्हारे ललाट में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, है? इसलिए क्या करो, इसको छोड़ करके और कुछ मांगो, वो असंभव भी जो है मैं दे दूंगा, लेकिन ये मत मांगो, है ना। तो सुदेव शर्मा ने फिर क्या क्या कहा भगवान से? मूर्छित हो गए।
मूर्छित हो गए। उनकी तो एकमात्र यही कामना थी और कोई कामना नहीं थी, है ना। तो ब्राह्मण क्या बोली, ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया? हाँ आप बताओ। हाँ है, हाँ भाग्य में जो है वही मिलेगा, भगवान इसमें क्या करेंगे। जैसे क्या हुआ, भगवान की प्रशंसा हुई या निंदा हुई? निंदा हुई। भगवान की जो निंदा हुई तो इसमें जिम्मेदार कौन था, कौन जिम्मेदार है? क्या वो उनकी पत्नी जिम्मेदार है इसके लिए? कौन किसका दोष है भगवान की निंदा हो रही? पत्नी ने जो कहा तो उसमें क्या पत्नी का कोई दोष है? नहीं है, दोष है पत्नी का, भगवान से बड़ा भाग्य को बता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम ये मत मांगो, तुम ये मत मांगो। जब भगवान ने ही कहा तो भगवान ही तो अपनी निंदा करा रहे हैं, है? उससे गरुड़ जी को कैसा लगा, खुशी हुई? क्यों खुशी नहीं हुई गरुड़ जी को, क्यों खुशी नहीं हुई? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो भक्त को जो है भगवान की ऐसी स्थिति सुन करके, कि ऐसी निंदा सुन करके बहुत दुख हुआ। तो गरु जी क्या करने लगे, उस समय कांपने लगे, कष्ट के मारे कांपने लगे और भगवान से बोले। गरु जी क्या बोले भगवान से? हाँ जी परमात्मा, नहीं गरु जी ने भगवान से क्या कहा, कौन बताएगा? है? हाँ आप जो है अगर मुक्ति तक दे सकते हैं तो आप जो है एक पुत्र छोटी सी जो चीज़ है वो आप क्यों नहीं दे सकते? मुक्ति सब कर्मों को मिटा करके किसी को मुक्ति भी आप दे सकते हैं। और अगर ऐसा ही अगर सिद्धांत बन गया तो फिर कौन आपकी भक्ति करेगा, फिर संसार में आपकी भक्ति कौन करेगा? है? और एक उदाहरण भी दिया गरुड़ जी ने, क्या उदाहरण दिया कौन बताएगा? हाँ जी हाँ। अगर आप मुक्ति, चार प्रकार की मुक्ति दे सकते हैं तो पुत्र तो देने में क्या परिश्रम, छोटी सी चीज है। मुक्ति तो कोई नहीं दे सकता, भगवान ही दे सकते हैं, तो पुत्र देने में क्या परिश्रम। तो भगवान ने क्या डांटा कि तुम मुझसे जवान लड़ा रहे हो, शट अप गरुड़ जी को ऐसा बोला क्या? क्या बोले भगवान, कौन बताएगा? हाँ आप ही दे दो। गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज मेरी आज्ञा से आप इसको पुत्र दे दो। भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है, है कि मैंने कहा तुमने मेरी बात क्यों काटी, है तुम्हारी इतनी हिम्मत है, हाँ मुझसे ऐसे बहस कर रहे हो। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है, अपने भक्तों को बहुत सम्मान देते हैं। गरुड़ जी से कहा आप मेरी आज्ञा से इनको पुत्र दे दो। तो गरुड़ जी ने फिर उनसे क्या कहा, सुदेव शर्मा से, कौन बताएगा? उधर से कोई बताएगा? हाँ आप बताओ, माइक दे दो माइक। नहीं पहले तो भगवान की महिमा को स्थापित किया उन्होंने, पहले भगवान की महिमा स्थापित की कि भगवान की देखो महिमा कैसी है, आपके सात जन्म तक पुत्र नहीं है लेकिन भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको पुत्र दे दूँ, तो आपके जो है भाग्य के लिखे हुए के विरुद्ध है आपको पुत्र भगवान ही दे रहे हैं, ये कहा। इसके बाद फिर कहा कि पुत्र मैं दे रहा हूँ तो कैसे पुत्र दे रहा हूँ, किसको पुत्र बनाऊंगा आपका? गरुड़ जी ने कहा अपने अंश से ही मैं आपको पुत्र दे रहा हूँ। तो वो पुत्र जो है कौन है, गरुड़ जी ही हैं, मतलब गरुड़ जी का ही विस्तार है। और उसमें अगर आसक्ति हो किसी की तो वो भगवान के धाम नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, कोई सामान्य पुत्र थोड़ी दे रहे हैं, गरुड़ जी ही पुत्र बन करके रहेंगे, एक अंश से उसके पुत्र बन गरुड़ जी। हाँ जी अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न करो।
ये जो सुदेव शर्मा जो ब्राह्मण है तपस्या कर रहे थे अपने पुत्र के लिए, पुत्र पर के लिए भगवान विष्णु से, जैसे भागवतम में भी आता है जैसे कर्दम मुनि जो पत्नी के लिए जो है प्रार्थना वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो क्या उस समय जो तपस्या कर रहे थे तो क्या वो शुद्ध भक्ति में था या आप पत्नी के लिए कर रहे थे या भगवान को प्रसन्न करने के लिए? कर्दम मुनि की बात आपने उठा ली, कर्दम मुनि को जो है ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि आप प्रजापति बनिए, आप संतान उत्पन्न करिए, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने तपस्या की, भगवान से ऐसी पत्नी मांगी जो कि संसार बंधन में ना बांधे और इनके जो है भक्ति में सहायता करे और पुत्र भी प्राप्त हो, ठीक है ना? तो भगवान जो है उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उनकी कामना का भी समर्थन किया और कहा कि आपको ऐसी पुत्री पत्नी मिलेगी जो आपकी भक्ति में सहायता करेगी और मैं आपका पुत्र बनूंगा, मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा, ठीक है ना? तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, क्या और कोई प्रश्न है? हो गया इनका? हाँ जी, ये कंडीशन थी कि बारह, क्या इनका प्रश्न क्या है? सुदेव शर्मा को जो पुत्र प्राप्त हुआ गरुड़ जी से, तो गरुड़ जी तो उसमें ये नहीं कहे थे कि पुत्र दूंगा तो फिर ये मर जाएगा, वो तो बताया नहीं। गरुड़ जी ने कहा था, क्या कहा था, कौन बताएगा? आपको सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा, जो मैं पुत्र दे रहा हूँ अपने अंश से उससे आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, ये कहा था। हालांकि स्पष्ट नहीं किया कि कैसा दुख मिलेगा, लेकिन ये कहा था कि दुख सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा, ठीक है? आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, आपका प्रश्न। हाँ, निष्काम भक्ति सकाम भक्ति, लेकिन हो तीव्र, तीव्रेण भक्ति योगे ने जेते पुरुषम परम अकाम सर्व काम वाद, मोक्ष काम दारधी तीव्रेण भक्ति योगे ने जेते पुरुषम परम, तीव्र भक्ति हो। मान लीजिए कोई सकाम है, सकाम भक्त है, वो तीव्र भक्ति कर रहा है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोई निष्काम भक्त है तो मंदिर में आते हैं, निष्काम कोई कामना नहीं है, प्रणाम किए नमस्कार किए चले गए और कभी आए कभी नहीं आए, तो भक्ति तीव्र नहीं है, ये निष्काम है। लेकिन किसी भक्ति के अंदर सकाम है तो उस कामना के कारण ही अगर वो तीव्र भक्ति कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो कामना अच्छी है उसकी कि उसके कारण से वो तीव्र भक्ति कर रहा है। ये निष्काम व्यक्ति है, भाई हमें भगवान से कामना कुछ नहीं करना चाहिए, तो जो है कभी भक्ति किया कभी नहीं किया, भक्ति का कुछ कारण नहीं है, उन्हें कुछ लेना तो है नहीं भगवान से, तो ठीक है, हाथ जोड़ दिया नमस्कार कर लिया अपना चले गए, कभी मौका मिला तो हाथ जोड़ दिया नमस्कार कर लिया, निष्काम भक्त हैं भाई, निष्काम भक्त, कोई कामना नहीं, तो क्या अच्छा है? अगर कामना के कारण ही आप तीव्र भक्ति कर रहे हैं तो वो कामना अच्छी है कि कामना हो आपकी, तीव्र भक्ति तो कर रहे हैं, हैं? तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार ही, उदार बुद्धि उसको कहते हैं, उदार उसको कहते हैं जो तीव्र भक्ति से भगवान की पूजा करे आराधना करे, तो ज़्यादा अच्छा है। टू पॉइंट अच्छा, 2 3 10 भागवत 2 3 10 और मैं यही सुनता हूँ, काम भक्ति करते हैं जैसे भगवान की आज्ञा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं ना, भगवान चाहते हैं कि यही संसार प्रसन्न होगा। रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, क्या है वो श्लोक? ज्ञान कर्मादनावृतम, शुरू का क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा, अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य अभिलाषा से बिल्कुल शून्य हो, तो
तो वो भक्ति उत्तम है, है ना, वो भक्ति उत्तम है ना। लेकिन अगर अन्याभिलाषिता शून्यम है, ठीक है, लेकिन उसमें ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, ज्ञान कर्म का आवरण पड़ा हुआ है ना, जैसे कि भक्ति तीव्र नहीं होती, तो वो ज्ञान से अनावृत होना चाहिए, ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, ढकी नहीं होना चाहिए, जिससे कि भक्ति तीव्र हो। तो इसलिए भक्ति अगर तीव्र है तो वो तीव्र भक्ति आपको जो है शुद्ध बना देगी, आपको जो है अकाम से निष्काम बना देगी, ठीक है ना। इसलिए उदारधि सुखदेव गोस्वामी उदारधि जो उदार है, उसी प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं उदारा सर्वे विद्या, चारों उदार हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उदारा सर्वे विद्या, सब उदार हैं। उदार क्यों उदार हैं, उनके अंदर कुछ भौतिक कामनाएं हैं, लेकिन उनकी कामनाएं भगवान नहीं पूरी करेंगे तो भी भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, उदार हैं। और जो उदार नहीं है, जिनका ज्ञान कामनाओं से हरण हो चुका है, तो वो जो है अन्य देवताओं की शरण लेंगे, क्योंकि उनका ज्ञान हरण हो चुका है कामनाओं से, तो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं वो, कि भगवान तो जो है जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं, कोई देवता हो जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, मेरी कामना पूरी कर दे। लेकिन जो सकाम भक्त भी है, लेकिन भगवान तो उसकी कामना पूरी नहीं करेंगे, भगवान अपने हिसाब से कामना पूरी करेंगे, और तुरंत करें या देर में करें, कि भगवान के हाथ में रहता है, कि वो भगवान को नहीं छोड़ रहा है, तो उदार है वो। यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि उसका ज्ञान कामनाओं से हरण नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई भौतिक कामना भी हो, लेकिन तो भी वो भगवान को अपना रक्षक मानता है, कि रक्षा तो करने वाले आप ही हैं, और कौन है, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। जैसे बच्चा है तो माँ से मांगता है कुछ, और माँ उसकी इच्छा पूरी नहीं करती है, हैं, तो बच्चा रोता है, लेकिन कहाँ जाएगा, माता के पास ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा, और कहाँ जा सकता है, किसके पास जाएगा, उदार है। तो यहाँ पर उदार की बात है कि आपको इतना ज्ञान तो है कि भगवान ही भवसागर से मेरी रक्षा करेंगे, हैं, जैसे नौका, आप नौका में बैठे हैं तो आपके अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं कि भाई ये इच्छा हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, ये हम नौका को छोड़ करके पानी में तो नहीं जाएंगे, आपको पता है कि नौका को छोड़ के पानी में गए तो और संकट आ जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जो भक्त हैं वो भगवान के चरणों के शरण लेते हैं कि उन्हें भवसागर तो पार करना ही है, अब कुछ भौतिक कामनाएँ अगर हों और भगवान पूरी करें तो अच्छी बात है, और नहीं पूरी करें तो भी उनके चरणों को तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके चरणों को छोड़ने से संकट ही संकट है, है ना। तो ज्ञान तो है ना, कामनाओं के द्वारा अगर ज्ञान हरण नहीं हुआ है तो भौतिक कामनाएं बनी रहती हैं उनके अंदर, लेकिन वो भौतिक कामना इतनी तीव्र नहीं होती जितनी भक्ति तीव्र होती है उनकी, उनके अंदर भौतिक कामना बनी रहती है लेकिन वो ज्ञान को ढकती नहीं है, जो भौतिक कामना उनके ज्ञान को नहीं ढकती है, कि फिर वो सोचे कि ये तो बेकार है, कृष्ण की भक्ति बेकार है, अब मुझे तो गणेश की भक्ति करनी है, दुर्गा जी की भक्ति करनी है, जल्दी जो है मतलब तुरंत मिल जाएगा, जो कोई फल मिलना है जल्दी मिल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना, कांक्षंता कर्मणाम सिद्धि भजन्ते हे देवता, तो कर्म की सिद्धि पाना चाहते हैं तो ये देवताओं की पूजा करते हैं, है ना भाई, हमको जो है कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, बेकार है, कृष्ण से क्या फ़ायदा। लेकिन किसी के अंदर भौतिक कामना भी है, वो भौतिक कामना इतनी तीव्र नहीं है जितना तीव्र उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान ही ढका हुआ है कि कृष्ण मेरी भौतिक कामनाएं पूरी करें तो मैं कृष्ण की पूजा करूँ, नहीं तो नहीं पूजा करूँगा, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भौतिक कामना है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं इफ़ यू सो डिज़ायर, हैं, तो ऐसा हो, हैं, यदि आप चाहें तो ऐसा करो, ऐसा हो जाए, और आप नहीं चाहें, हैं, तो भी, हैं, ये नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा, तो भी मैं आपकी सेवा में लगा हूँ। तो ये जो है भक्ति ऐसी है। तो सकाम भक्ति भक्ति है फिर भी तो भगवान को प्रिय है।
निष्काम हो या सकाम हो, भगवान को भक्ति प्रिय। पका हुआ आम और कच्चा आम, आम जो है फलों का राजा है, पका हो या कच्चा हो अच्छा ही है, है? तो कच्ची भक्ति है, किसी की भक्ति कच्ची है तो भौतिक कामनाएं भी हैं उसकी, ये भक्ति है, है? भक्ति की जड़ जो है मजबूत है, इसलिए भक्ति की जड़ प्रभुपाद मजबूत करते हैं। आप सबसे पहले समझो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, है? तो जड़ अगर अच्छी मजबूत है तो वो जो है वो फिर ऐसे विचलित नहीं होंगे, भौतिक कामनाओं से आप विचलित नहीं होते, ठीक है ना। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न, चलो। तीव्र भक्ति, शुद्ध भक्ति। अशुद्ध भक्ति अगर मान लीजिए आप माने कि भाई निष्काम, हमारी कोई कामना नहीं है, हम शुद्ध शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तीव्र भक्ति नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, प्रणाम किया, हाथ जोड़िए, नमस्कार, हैं आप जो है सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, सर्वेश्वर हैं, नमस्कार है आपको, और चले गए, सतोगुण में हैं आप, तीव्र भक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो तीव्र भक्ति जो है मतलब अगर है, और वैसे तो जो शुद्ध भक्त होता है तो वो तो तीव्र होता ही है, क्योंकि वो भगवान के अलावा और कुछ मानते ही नहीं। शुद्ध भक्त का मतलब है कि वो कृष्ण के अलावा और कुछ मानता ही नहीं कुछ, तो वो शुद्ध भक्त कुछ भी कहलाता है, ठीक है ना। हाँ तो नहीं, गरुड़ जी वो अब वो तो जो है मतलब बड़ा रहस्य है इसमें, लेकिन गरुड़ जी ने अपना मतलब अपना ही अंश उनको पुत्र रूप में प्रदान कर दिया गरुड़ जी ने, कि भगवान ने उनको अधिकार दिया कि आप पुत्र दे दो, ठीक है मैं पुत्र दे देता हूँ, तो गरुड़ जी ने अपने अंश से उनको पुत्र दिया। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।